आप देख रहे न्यूज इटकी। न्यूज इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। उर्दू स्कूलों की मान्यता समाप्त किए जाने, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर आमिया और झारखंड छात्र संघ ने राजभवन के समीप महाधरना दिया। मौके पर संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने को है, इसके बावजूद उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियां लंबित है। उर्दू स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कोशिश हो रही है, अल्पसंख्यकों के अधिकार को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 उर्दू विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाधरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि विगत दिनों शिक्षा विभाग का जो तुगलकी फरमान निकला कि बिहार के पीरियड से जो उर्दू स्कूल चल रहा है, जो अपग्रेड हुआ था किसी जमाने में, उसका जो है उर्दू का स्टेटस को खत्म कर देने का फतवा जारी हुआ है सरकार के द्वारा। जो शुक्रवार को छुट्टी होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसी प्रकार झारखंड में उर्दू के कई मामले हैं। 2018 में हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि +2 में उर्दू टीचर का पोस्ट किया जाए। साथ ही साथ 3712 पद जो 4401 का पद है बरसों से खाली पड़ा हुआ है। 2018 का ही एनसीटी का डायरेक्शन है कि इस पद को जो है स्नातक टेट उत्तीर्ण से भरा जाए। 2008 में, 12 में, 14 में और 17 में हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हुई है। जो उर्दू में जो आरक्षित पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उसको पिछड़ा और सामान्य वर्ग से भरने का मसला है।